प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। जहां वो सहारनपुर में करीब 115 विकास योजनाओं को लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर सहारनपुर नगर और शहर विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तो सहारनपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, मैदान पूरी तरह से तैयार है। तो बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश, पुरजोर मेहनत यहाँ पर की जा रही है। चिकड़ी में सहारनपुर आएंगे केशव प्रसाद मौर्य और मैदान आप देख सकते हैं, तस्वीरें पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे सहारनपुर, यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ा ही हर्ष का विषय है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कल सहारनपुर आगमन है उनका, और ये कार्यक्रम सहारनपुर महानगर यानी कि देहात और नगर विधानसभा के लोग इसमें रहने वाले हैं। लेकिन जो लोकार्पण का कार्यक्रम है जिले में, सहारनपुर जिले में जितने भी काम हुए हैं उनका वो लोकार्पण भी इस यहाँ से करेंगे। कितने लगभग कितने कार्य योजना का लोकार्पण होगा? ये लगभग 115 कार्य योजना है उनका लोकार्पण, कुछ संभवतः है हमने सुझाव दिए हैं चुनाव की दृष्टि से भी, और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं अपने यूनिवर्सिटी का 4 लाइन और माँ शाकुंभरी देवी का जो 4 लाइन है भेट से लेकर वहाँ तक, संभवतः उम्मीद है उसकी भी कल घोषणा होगी। यूपी के पीलीभीत जनपद में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से संयुक्त रूप में शहर अध्यक्ष अभिनय गुप्ता गोल्डी की अगुवाई में वर्तमान बीजेपी सरकार की उदासीनता और अर्थव्यवस्था के चलते मंडी परिसर पहुंचकर यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। बताया जा रहा है कि खाद वितरण केंद्रों के पास लाइन में लगकर डीएपी खाद की जरूरत के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण प्रदेश के कई किसान अपनी जान लाइनों में लगाकर गवा चुके हैं। वहीं इसी से नाराज होकर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन किया। आम जो कष्टकार है जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं है उसको डीएपी मिलने में भारी असुविधा हो रही है, और कई जगह तो ऐसा भी प्रकाश में आया है कि लोगों को डीएपी लेने के लिए अपने प्राण तक गंवाना पड़ गए। तो डीएपी चूंकि इस टाइम गेहूं की फसल की बुआई चल रही है, डीएपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसको तत्काल जो है मतलब जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। अभी जिस गोदाम पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर भी डीएपी की शॉर्टेज है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। दरअसल उनका कहना है कि यहां पर जो किसान हैं उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कई किसान ऐसे हैं जो लाइन में लगकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी वजह से उनका आक्रोश बढ़ा है, किसान भी बेहद नाराज हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया, आक्रोशित होते हुए जमकर नारेबाजी की गई है। नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर पुतला दहन भी किया गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों को खाद समय पर मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें पीलीभीत से आप देख रहे हैं जहां पर जो खाद ना मिलने की वजह से किसानों की जान जा रही है, उससे परेशान होकर किसान बेहद नाराजगी के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यहां पर सीएम का पुतला दहन भी किया गया है। सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि फिर से सहारनपुर में कोरोना के कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी, अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं इस नए वेरिएंट के बीच जो लोग विदेश यात्रा करके सहारनपुर पहुंच रहे हैं उनके लिए टेस्टिंग जो है वो कराई जा रही है। तो नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कर दी गई है। जो भी जिले में प्रवेश कर रहा है उसकी टेस्टिंग भी की जा रही है, वैक्सीनेशन भी चरम पर है। इसके अलावा जो अस्पताल है वहां पर भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। आप बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो राज्य है वो भी अलर्ट है, तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर जिलों की बात करें तो जिले में भी
जो जिलाध्यक्ष हैं वो लगातार तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को, ताकि जो टेस्टिंग है वो पर्याप्त हो सके, वैक्सीनेशन पर्याप्त हो सके, कौन लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी देखरेख भी होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है कोरोना तो उसको होम आइसोलेशन में भी रखा जाए। देखिए फिर से दोबारा जो है जनपद सहारनपुर में कुछ कोरोना के केसेस रिपोर्ट हैं, और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी और अन्य राज्यों में भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोगों ने अपनी जो सर्विलांस की गतिविधियां हैं, निगरानी समिति की गतिविधियां हैं, RRT टीमों की जो कार्यवाही है उसको बढ़ाया है, और जो भी विदेश यात्रा करके जो है नागरिक यहाँ पर आज आ रहे हैं उसमें हम लोग डेली उनकी ट्रेसिंग और टेस्टिंग का कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन भारत सरकार से और जो है यहाँ पर गाजियाबाद और नोएडा के जिलाधिकारियों के माध्यम से जो भी विदेशी यात्री हम लोग के यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सूचना हम लोग को प्राप्त कराई जा रही है। उसके बाद हम लोग उनका प्रतिदिन जो है उनसे जो है टेलीफोन से भी बात कर रहे हैं, और यदि किसी में कोरोना के लक्षण हैं तो उनकी तुरंत टेस्टिंग कर रहे हैं। सहारनपुर पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, वहीं इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, जहां नकुड़ और गंगो पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के साथ मुठभेड़ कर गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की बाइक समेत कई सामान भी बरामद किए गए हैं। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले पिरेला सुल्तान गांव में स्थित कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक इबादुर रहमान और सहायक अध्यापक राजनारायण सिंह के बीच मामूली बात को लेकर गाली गलौज और मारपिटाई हो गई, जिससे छात्र छात्राएं डर कर क्लास से बाहर चले गए। वहीं इसके बाद प्रधानाध्यापक ने छात्र और छात्राओं के साथ ही रसोइयों को भी धमकी दी है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने स्कूल में जाकर प्रधानाध्यापक का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर छात्रा रोशनी ने बताया कि सहायक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी प्रधानाध्यापक क्लास में आकर मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें चोट भी आई है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित अध्यापक राजनारायण सिंह ने बताया कि मामूली बात को लेकर प्रधानाध्यापक आकर अचानक गाली गलौज करने लगे और विरोध करने पर उनके साथ जमकर मारपिटाई भी की गई है। सर पढ़ा रहे थे गणित, सर बैठे तुरंत उसने छोटा छोटा चाक था, इसीलिए सर को कहे चाक क्यों आया, तो इसीलिए सर जी कहे कि चाक से मैं नहीं लिख पाऊंगा, इसीलिए रहमानी सर जी इस पे हमला कर दिया। मैं बच्चों को कक्षा 7 के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसी क्रम के दौरान इंचार्ज प्रधानाध्यापक श्री इबादुर रहमान आए, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देते हुए, और हमारे जब हमने उनका विरोध किया इन चीज़ों का, तो उन्होंने हमारे खा करके मुझे अटैक किया, गला दबा करके मुंह पे और कनाम से घूसों से हमें मारा है। जैसे बच्चे भयभीत होकर के क्लास से बाहर भागे और रसोइयों को बुलाकर तब रसोइयों ने उनको खींचा हमसे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।